أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأقم وجهك للدين حنيفا. فطرة تالله التي فطر الناس عليها لو تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق الله العلي العظيم ومولانا الكريم الحليم الودود المجيد ما شاء الله كان पर परवरदिगार आलम की बारगाह में उसके इस एहसान पर हजारों बार सजद शुक्र करें करोड़ों बार सजद शुक्र करें सालों अपने सर को उसके हुजूर शुक्र के सजदे में रखें तब भी शुक्र अदा नहीं होता कि उसने हमारे दिलों को बानू इस्लाम नूर इस्लाम तो़ीफ़ इस्लाम साबान इस्लाम वारिस अम्बिया मरकज़ सखावत शुजा मैं अजने इल्मो तहारच मजने इसमत त जो आसमानों का शरफ हैं और जूदो करम में अपनी मिसाल आप हैं ऐसी हस्ती कि मोहब्बत और मवजत से हमारे दिलों को लोरानी फरमाया और हमें तोफीक दी के जमादी के इन दिनों में अयाम फतमिया में जो कि जहूर की इलामात में से जहूर करीब होने के लिए जो सिलसिला आसमान से उन साइंस का उन इलामतों का शुरू होगा उसके लिए भी अयाम फातमिया को ही करार दिया गया कि कियाम फातमिया में वो सिलसिला शुरू होगा और उसके बाद फिर तूल पकड़ेगा तो परवरदिगार आलम की बारगाह में अपनी इस नशिस्त को अपनी इस फर्श अदा को अपने दिल को फर्श फातिमा मजाहरा बनाते हुए सैदा जैन अबुलकबरा सलाम लालिहा सैदा उम्मलसूम सलाम लिहा मौला इमाम हसन अल हसैन सलामल आम उनकी बारगा में इस इल्तमास के साथ कि एक निगाह कहीं से भी हैं अपने मां के फर्श अदा पर बैठने वालों पर एक नज़र या साहेब जमान एक नज़र या साहेब जमान आज के दिन इन मजालस में इन फर्श अदा में जो दिलों को पेश करने बैठे हैं और वो तहारत नसीब फरमा हमें इल्म की वो इल्म नसीब फरमा जो वजूद और रूह के अंदर फितरत के अंदर आलमीन ने कुरान के जरिए जिसकी तालीम फरमाई कि इंसान के अंदर उसको वदियत किया गया है रखा गया है और जब तक इंसान उसको इल्म और मारफत का पानी और अमल का पानी न दे वो अल्फाचमच हब वो सीड, वो मोहब्बत का बीज वो विलायत वो नूर रुश्द नहीं करता वो दलालत में तारीखियों में रहता है इंसान के अमल की तो जो पिछले सिक्स डेज में हमने बहस की याद रखिएगा इस बहस को इसलिए लिखा लिया है एक के एक तो उसमें हम कुरान जो कयामत तक के लिए हिदायत की किताब है और इंसानों को हर जमाने के इंसान को बुलाती रहेगी समझाती रहेगी जैसे कुरान बेस्ट वो नेविगेटर है जो हिदायत का सरचश्मा है और उन हस्तियों को इंट्रोड्यूस कराता है उन हस्तियों की तरफ लेकर जाता है इसका नूर जो इसके असली वारिस हैं जिनकी मिझद से जिनकी तारीफों से इस कुरान में आयात का नजूर है और उन आयात की तिलावत इंसान करके अपने वजूद में अपने ताई मुसलमान होने का सबूत देता है और अपनी पकीजगी को पेश करता है हमने अयाम फातमिया में अपने नफ्सों को दावत देनी है कल जिस बात पर बात खत्म हुई थी वो ये था कि हर हर कोई जितनी भी मखलूक रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया में खल्क की ख़ुसूसन बिल अख़स इंसान जिसे एक खास शरफ की वजह से अशरफुलमखलूक कहा उस शरफ को हमने आपकी खिदमत में अर्ज किया और खालिफ होना ग्रेटेस्ट क्रिएटर होना उसी को जेबा है तमाम चीजें उसके दस कुदरत में है फातिर उसकी हस्ती के रहमत या रहमत वास जो उस परवर आलम का खासा है वो इस नाम की खसूसियत है फातिर होने की खालिक वो है फातिर उसकी कुदरत को जाहिर करता है उसकी पावर को जाहिर करता है अब जो नूर उसकी इज्जत और जलाल से अलग होकर चसबी के मराहल में रजाए इलाही के मकाम में उस मकाम पर पहुंचता है कि जितने आसमा हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के उन तस्बीहात की बदौलत तमाम शफात उन तस्बीह करने वालों के अंदर रोशन होते जा रहे हैं तजली फरमाते जा रहे हैं खाली आसमा होना और चीज है लेकिन वही असमान कुदरत खुदा से कुदरत रबुल आलमीन से तस्बी करने वालों के वजूद में जब रोशन होकर तजली करें जाहिर हो तो वो अल्लाह की कुदरत के मजहर हो जाते हैं इसका मतलब है खुदा फातिर है पर उसकी रहमत उसकी खास ब्लैसिंग की कुदरत फौतमतुजहरा सलामुल्लाह अलैहा हैं वो अपनी हस्ती में अल्लाह मसल्ल अला मुहम्मद व आले मुहम्मद और इसी सोच पर इसी जगह पर इसीलिए तो इमाम बाकर अलैहिस्सलाम का यहां पर फरमान जो कि मेरे मैंने आगे जाके इसको ऐड करना था लेकिन इसीलिए आप फरमाते हैं कि नहनु असमा उलहसना कहीं से भी कहीं से भी कोई अल्लाह के इसम को पुकारेगा वो पुकारेगा अल्लाह के इसम को नहनू मानी हम हम उन असमा के असली मानी हैं अल्लाह अकबर बड़े हाई लेवल पे ये इसको बहुत हाई अंडरस्टैंडिंग में जाकर मुद्दत में जाकर समझने की जरूरत है खाली और ये भी इमाम सादिक इस्लाम की हदीस है कि किसी भी नाम की मार्फत के बगैर उसकी बंदगी की जाए तो कुफर है कबूल नहीं है यानी उसका फायदा नहीं है तो इसका मतलब इसका मतलब है कि अगर अस्मा अस्मा उल हुना है तो उनके मानी वजूद फातिमा दहरा सलामुल्लाह अलैहा, जो खास खसीसाए फाचिर जो अल्लाह के होने के उस खास आ, इस्म के साथ अपने वजूद में रहमत से आके साथ जुड़कर उस रहमत की कुदरत परवरदिगार आलम को जाहिर करती हैं वही इंसान की हर 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 इंसान की फितरत में ये चीज मौजूद है उसकी क्रिएशन में ये चीज रखी गई है और इसी को रबुला रब फितरत फतरन्ना फितरत क्या है वही यानी ये जो अल्लाह के नामों के मानी हैं वजूद फातिमा दहरा सलाम या इसको हम इमाम बाकर के उस फरमान से भी नकल कर सकते हैं कि ही फिखोलेन फै फी फल है अब वो फितरत जो खास तौर पर जिसको कह लें कि जब कोई खल्क करने वाला कोई रंग देना चाहता है किसी चीज को तो फिर उसका नाम होता है ना तो इंसान की खिलकत को उसकी क्रिएशन में उसकी फितरत फितरत नेचर नेचर में फीलिंग्स जो कल मैंने बयान किया था उसकी फीलिंग्स या उसकी जो है वो डिज़ायर्स ख्वाहिशात इंसान के अंदर जो होती हैं मटेरियलिस्टिक होती हैं स्पिरिचुअल होती हैं दोनों चीज़ों में तो अल्लाह रब्बुल ने फरत अलैहा में इमाम के फरमान के मुताबिक जो रंग दिया है इंसान की क्रिएशन को फितरत को जो रंग दिया है सिब का छल्ला सिब का छल्ला है वह मन एहसना सिब मिन अल्लाह है वह मन मिन अल्लाह है सिब का चंद व नहन यानी अगर किसी ने इस बात को पहले मेरे से सुना हो कि फितरचे इंसान सिबगा यानी अल्लाह का रंग है अल्लाह ने रंग दिया है तो वो रंग जो फातिर से फातिर हस्ती बनाकर वजूद फातिमा दाहरा विलायच फातिमा या जो विलायच मोहम्मद जो आलि मोहम्मद ये उसका रंग उस रंग में इंसान की क्रिएशन हुई है अब अब उस रंग को अपनी उन दोनों जबिलतों के साथ यानी वो दोनों जो इंसान के अंदर उसकी नेचर में खिलकत में उसकी फीलिंग्स खल्क हुई हैं वो खुद उसकी आबियारी करेगा खुद उसको फाइंड करेगा खुद डिस्कवर करेगा खुद अपने अच्छे अमाल नेक अमाल बुरे अमाल या किस वे में जाके उसको फाइंड करता है इसकी एक मिसाल दूंगा आपके सामने कैसे फितरत में वो रंग जो कोई और नहीं दे सकता है या अल्लाह रब्लम या फिर उसके सिलेक्टेड लोग वो क्या कहते हैं जनाब मुस्लिम औसा जब जनाब हबीब इबन को कूफा के बाजार में मिलते हैं तो पूछा जनाब मुस्लिम ओसा ने जनाब हबीब इबन मुदाहिरलाम से कि आप कहाँ जा रहे हैं कहा रंग खरीदने जा रहा हूं कहा रंग को क्या करना है खरीद कर कहा चूंकि आप सबने पढ़ा है कि जनाब हबीब इबन मजा एटी ईयर्स के थे तो कहा कि मैं इसको रंग करना चाहता हूं दाढ़ी को इसलिए तो जनाब इस्लाम फरमाते हैं कि जनाब से कि अगर आप इस रंग को खरीद कर रंग चढ़ा लो मतलब कर लो तो ये रंग कितने दिन जाएगा तो जनाब हबीब इबन मजाम ने जवाब दिया यही कोई आठ दिन दस दिन बीस दिन पंद्रह दिन तो जनाबे मुस्लिम बिन औसजा थोड़ा सा करीब होकर कान के करीब आकर कहते हैं क्या मैं तुम्हें ऐसा रंग न दू जो एक दफा चढ़ जाए तो कभी नहीं उतरता मैं तुम्हें कोई ऐसा रंग न दू जनाब इब्न बिनेजहर मुस्कुराए फरमाते हैं क्यों नहीं अपने जेब से उस खत को निकाला फिर जो कि एक ऐसी हस्ती की तरफ से था जो रंग तोहीदी में इंसानों को रंग देने के लिए करबला को सडा कर बैठे थे जल्दी से छूके चूमा आंखों को लगाया, कहा खोल कर देखा तो नाम ऊपर ऐसा था कि भेजने वाले का के आंखों से आंसू जारी हुए क्यों नहीं तो अल्लाह रबुल आलमी ने कुरान के जरिए वो से लाही। मन अहसन जो बेस्ट रंग दिन रंगे फातमी रंग जहराई रंगे हुसैनी अरे जिन पे उनकी रंगतें चढ़ी वो सरापनूर हो गया अब सिर्फ यही नहीं है इंसानियत को बचाने के लिए अब अगले मरहले में हम आ जाएं और उसके बाद हम अपने लिए उस सबक को तलाश करें कि अगर हम रूहानी स्पिरिचुअली, मसलन जो इंसान की मटेरियलिस्टिक डिजायर्स होती हैं जैसे मैंने यस्टरडे आपको एग्जांपल दी थी कि इंसान का अपने आप को पसंद करना अपने आप को दूसरों पे प्रेफरेंस देना और उसके बाद जो है ना सेल्फ सेंटर्ड होना यह सेल्फिश होना या भूख खाना प्यास मेरा ये मेरा ये दिस इज़ माइन दिस इज़ फॉर मी दिस इज़ फॉर मी ओनली फॉर माई सेल्फ दिस 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 सारी चीज़ें इस तरह करना और उसके ये है इसकी मटीरियलिस्टिक और ये है इंसान की वक्ती और फिर इसके लिए कुरान में क्या जुमला आया

जो बुराई की तरफ ना जाने दे मटीरियलिस्टिक ना बनने दे सेल्फिश ना बनने दे हराम की तरफ ना जाने दे बहुत सारी ऐसी बुराइयां जो हमें खुदा से दूर जितना इस तरफ जाएंगे मटीरियलिज्म की तरफ उतनी तबाही उतनी बेचैनी उतनी बीमारी उतनी बेसुकूनी सारा कुछ खत्म और दूसरी तरफ क्या है स्पिरिचुअलिटी है इन दोनों में बैलेंस देने के लिए आपको और स्ट्रेंथ देने के लिए स्पिरिचुअली रबुल आलमीन ने रंगे फौचमी मोहम्मद मोहम्मद जो है वो हमारी क्रिएशन में हमारी फितरत में हर इंसान के अंदर रखी है अब हम जितना नेक होंगे और वही फिर वही तस्बीहात जो हमें इस बरहले में आगे लेके जा सकती हैं अब इससे तीस अगला स्टेप कौन सा है कल मैंने एक सवाल छोड़ा था कि हमार हमारे ऊपर नमाज क्यों फ़र्श है कोई भी पूछ सकता है नमाज़ क्यों पढ़े? भाई इसीलिए पढ़े। नमाज़ एक थर्मामीटर है जैसे आप ब्लड प्रेशर चेक करने की मशीन रखते हैं ब्लड प्रेशर कितना है तो नमाज भी इंसान के ईमान और उसके यकीन का टेम्परेचर चेक करने के लिए है। जितने कितने गैरतमंद हैं कितने बालाक हैं कितने अल्लाह से मोहब्बत करते हैं कितनी लहियत है और नमाज कबूल है कि नहीं आपको पता है आपके पास पैमाना है क्यों नमाज के जिक्र में एक ऐसी मकनती कशिश है एक ऐसी पावर है लफ्जों में कि जब कोई पांच टाइम दिन के अंदर उसको दोहराता है तो वो लफ्ज इंसान के वजूद में नफूज कर जाते हैं एब्जॉर्ब हो जाते हैं और जब वो लफ्ज इंसान के जिसम में रूह में एब्सॉर्ब होते हैं तो उनका पॉजिटिव इंपैक्ट होता है फिर इंसान बुराई की तरफ मायल नहीं होता पहली स्टेप जो नमाजी के ऊपर लगती है उसकी रूह के अंदर एब्जॉर्ब होने के बाद जिक्र नमाज वो ये है कि वो बुराई और फाशी बेहयाई की तरफ नहीं जाएगा बेगैरती का काम अंजाम नहीं देगा ये तो अल्लाह रबीन की बारगाह में रज की हुई चीजें हैं तो जब उसे अपनी तरफ लाना था तो फिर क्या है तब हमारे अंदर मटेरियलिज्म ज्यादा आ जाएगा अगर हम नमाज पढ़ रहे हैं लेकिन नमाज एक्सरसाइज है उस मुर्गी की तरह चुकती है, है, दाना चुकती है उठती है दाना चुगती है उठती है नमाज और इसी तरह फिर ये नहीं है इस माहौल में हमें और भी बहुत सारी इबादत दी और अगर वो इबादत हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो हमारे अंदर हमें खुद पता चलेगा अगर दिल से नफरत हो जाएगी झूठ से दिल से नफरत हो जाएगी कि भाई मेरे साथ फलाने ऐसे क्योंकि नेगेटिविटी बहुत सारी चीजें हैं मुआशरे में जो नोट करते हैं वो ऐसा क्यों है वो ऐसा ऐसे वैसे लड़ाई सब कुछ ये सारी चीजों को कंट्रोल करने के लिए नमाज के साथ तस्बीह है और ये वो खूबसूरत अल्लाह रबीन का सिस्टम है जो इंसान के वजूद को पांच वक्त में ये पढ़ने के बाद कंट्रोल करता है अगर आप देख लें कि आप बेहौसला हो गए हैं तो आप समझ लें कि आपकी ना तस्बीहात आप दिल से पढ़ रहे हैं और ना ही आपकी नमाज आपकी रूह में आपके वजूद में अब्जॉर्ब हो रही है आप महफूज नहीं कर रहे अब उसके अगर मिसाल दे देते हैं सहरबा मसलन हमने क्या सीखा और इसके बाद मैं इंशाल्लाह के वक्त पे इसको खत्म कर सकूं अलैहि ना एक दफा आम, हम खवातीन है ना तो हम क्या मिसाल अगर हम हमारी क्रिएशन में फातिमी रंग है विलायत मोहम्मद वाले मोहम्मद है तो हम अगर उस पर अभी तक मारिफत में नहीं पहुंचे और हम शोहर मियाँ बीवी का झगड़ा बाप बेटी का झगड़ा घरों में फसाद मसाइल ये वो चीजों में Stuck है, तो उसकी रीजन क्या है कि हम ना नमाज से फायदा उठा रहे हैं ना तस्बी से उसकी मिसाल कैसे हम अपने आप को कैसे अतिमियार्व करेंगे सेम तो किस तरह सारी चीजें मौजूद हैं देखनी पड़ेंगी तो बीबी पा ने एक मिसाल से साबित हो जाता है एक दिन बीमार हो गई और एक ही चीज के अंदर हजार लेसन हमारे लिए खाली या, कहने से या सलाम राजी नहीं होंगे जब तक खुल के अली इखला के अली शुजात अली, शुज़ात अली

याद रखिएगा ये मैंने बहुत दफ़ा अपनी मदालस में जिक्र किया जब भी हम अयाम में फातमिन में के दोनों ऐसे खूबसूरत ज़िंदगी के रिश्ते हैं कि नाम लेकर नहीं बुलाते थे ना मौला बीबी का और ना ही सैल पा मौलाम का या मोमिन या अबा हसन और बहुत सारे सारेबा के साथ तो मौला भी हमेशा याबिन चार सला या सैलतलिससा बहुत सारे अल्कबा के साथ आपको जो है याद फरमाती और साथ बहुत सारी मोहब्बत का इजहार फरमाते हर आवाज़ के साथ हम तो बस थक जाएंगे दो चार आवाजें मोहब्बत से दी तो हम थक गए वैसे ही रिश्तों से ही थक जाते हैं हम लोग तो हमारे अंदर वो रूह नहीं है अभी तो बीबी पार्क ने फरमाया अली आप सब ने ये बात हजार बार सुनी होगी लेकिन आज दोहरा क्यों नहीं हूं जिस पेंडेमिक से जिस बीमारियों से गुजर रहे हैं उसमें इसका फायदा है हम सब के लिए कहा या अली कहा कुछ खाने को दिल करता है फातिमा या बिन चरा सुल्ला अच्छी मत जान सही सा। थोड़ी देर बाद सोचने अगर अगर हो सके तो कभी सवाल नहीं किया कभी ख्वाहिश नहीं की हो सके तो अनार मिल सकता है आप सबने इस बात को सुना कि मौला बाहर निकले सोचा अनार कहाँ से लूँ, कहां से लूँ? एक खास दोस्त के पास गए जिसके साथ खासी दोस्ती थी एक दिरहम लिया उससे एक दिन आप एक दिन आर लेकर अनार खरीदा अनार खरीद कर वापस आ रहे थे रास्ते में एक बूढ़े को देखा क्या है उस बूढ़े ने पांच दिन से कुछ नहीं खाया था नकाहत में था कोई पूछने वाला नहीं पुरसाने हाल नहीं था कोई बीमार पुर्सी करने वाला नहीं था देखभाल करने वाला नहीं था मौला उसके पास रुके कहने लगे बुजुर्ग तो आपको परेशानी लाक है क्या हुआ है कहा पांच दिन से कुछ नहीं खाया कोई मेरा पुरसाने हाल नहीं कोई मेरा पूछने वाला देखभाल करने वाला नहीं है कहा कुछ चाहिए मुझसे तो अभी तो वो तो जेब में है अनार तो उस बुजुर्ग ने फरमाया कि मुझे अगर अनार मिल जाए मौला अली बैठे इसको कहते हैं लिल्लहियत इसको कहते हैं अमीरमीन इसको कहते हैं इमाम माँ से ज़्यादा शफीक इमाम और ये है इखलाक अला भी बैठे अनार को निकाला उसको खूबसूरत तरीके से दो टुकड़े किया और हर पीस से एक एक दाना निकालकर उस बूढ़े के मुंह में रखा अच्छे तरीके से जैसे ही मौला का अनार का आखिरी दाना उस बूढ़े बुजुर्ग के वजूद के अंदर गया हशाश बशाश होकर ऐसे उठा जैसे कायनात की सबसे बेहतरीन दवा अंदर चली गई हो जैसे इस कायनात का बेस्ट नुस्खा जवानी देने का उसके अंदर चला गया हो उठा खुश हुआ तशक् किया अब मौला अली उठे वापस जा रहे हैं घर लेकिन सोचते जा रहे हैं कि रसूल खुदा की बेटी को क्या जवाब दूंगा पहली दफा कहा था, अब यहां अगर हम अपने आप को तस्वूर कर लें कोई चीज हमें बड़ी शिद्दत से चाहिए बड़ी क्रेविंग हो रही है ये खाना है लेकिन कोई और खाने वाला कोई और भूखा मिल जाए हम देते हैं कि नहीं देते हैं कभी नहीं देते हैं वो भी बाहर ना जानने वाला ना आशना कोई होमलेस कोई भूखा नहीं नहीं करते हम ऐसे फिर क्या उसके बाद ये सोचते सोचते दरवाजे तक पहुंचे कि अभी क्या जवाब दूंगा क्या जवाब देखिए जब लिलहत में काम होता है तो इंतजाम खुदा के हाथ में होता है हसब वो नमल वकील ने अमल मौला वो नमन नसीर आगे दरवाजे पे सोचते सोचते जा, जा रहे हैं जैसे एक कोई भी एक शोहर सोच ले कि बीवी ने सारी जिंदगी में पहली दफ़ा ख्वाहिश की तो क्या जवाब है तो अब जब नहीं है तो अगर हम अपने आप को उस जगह पर रखकर सोचें कि आप जिंदगी में पहली दफा शोहर से कोई चीज़ मांगी है और शोहर खाली हाथ आ रहे हैं अल्लाह अकबर मुझे पता है हमारी सारी खुवाची का कि क्या शोहर का हाल होगा क्या one, banegi ek puri ek we need to test ourselves we need to think about we need to absorb ourselves how we can say labikia labikia Fatima not a how we can say if we don't have that much level of patience if we don't want to absorb that education that teaching us of Sayyidina fatima dahra in ourselves in our practices when when we do that जिंदगी तो खत्म होने वाली है अब मौला जैसे अंदर कदम रखा तो सामने से मुस्कुराची हुई, बिल्कुल ठीक हाल में मुस्कुरा से वो तशरीफ तो ला रही है और मुस्कुरा कर अपने शोहर का इस्तेमाल करती है। एक हैं एक सलावत भेजती हैं मौला पर और फरमाती हैं याली जिस वक्त से आपने अब देखिए ये घर पर है उधर अनार खिलाया जा रहा है यहां इसमत यहां भी है इमामत और विलायत वहां भी है कहा जिस वक्त आपने उस बीमार को दाना दाना उस उस अनार खिलाया वक्त से मेरे जिस्म में इतनी ताकत आ गई मैं इतनी तंदुरुस्त हो गई कि मुझे उसके बाद उसकी कोई हसरत ही नहीं रही और मैं बिल्कुल तंदुरुस्त होकर अब 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 इसमें हमारे लिए क्या बात है लेसन क्या है कि अगर हम मरीज हो जाएं तो हम किसी ऐसे मरीज का इलाज करा दें जिसके पास इलाज के लिए पैसे ना हो हम अगर किसी भी परे, ऐसी परेशानी में हो मसलन हमारे पास घर नहीं है तो आप अपनी तोफीक से किसी ऐसी जगह पर किसी बेघर के लिए एक साहिबान का इंतजाम फरमा दें तो खुदा आपके लिए घर का इंतजाम फरमा देगा यानी खुद

तो फिर अल्लाह रबीन आपके इंतजाम को अपने हाथ में ले लेता है इसको कहते हैं लिल्लहियत इसको कहते है इन्ना लिल्लह। इसको कहते कहते हैं हैं खुदा के लिए होना और ये था वो वजूद फातिमा कि अनार या फिर वो रहमत या मदद किसी गर... ऐसे इंसान की हुई जो दूर किसी जगह सड़क पर बीमार पड़ा हुआ था मगर उसके खाने से इधर भी शिफा है ये भी इनको भी वो वो ताकत में ये हमारे लिए मिसाल है अभी ये बात बीबी पाक मौला अली के साथ फरमा रही थी तो दरवाज़े पर दस्तक हुई मौलाम तशरीफ़ लेकर गए तो जनाब सलमान जो है वो तश्त एक ढका हुआ और लेकर खड़े थे फरमाने लगे ये आली मुश्किल कुछ मौल मौलाना मौला सलमान कैसे तशरीफ़ लाए हैं तश् ने क्या है कहा अल्लाह रब अल्लाह के रसूल के लिए बहिष्त से आया है और अल्लाह के रसूल ने अल्लाह के वली के लिए भेजा है जनाब मौलया मुश्किल गुशा ने उस तश्त में से जो है वो रुमाल को हटाया तो अंदर तश्त के अंदर नौ अनार थे तो मुस्कुराकर फरमाते हैं कि अगर ये हमारे लिए आया है तो इसमें दस अनार होने चाहिए मुस्कुराकर कहा जनाब सलमान फा, फा, सलमान फारसी फरमाते हैं कैसे तो फिर आपने फोरा मंजा अबिलहसना कुरान की आयत कि कोई एक नेकी करेगा तो अल्लाह उसको उसके बदले में दस देगा तो दस होने चाहिए जनाब सलमान फारसी ने मुस्कुराते हुए अपने जेब से दसवें अनार को बाहर निकाला और कहा यह आली मुश्किल कुशा थे तो इसमें दस ही आए भी बहिष्ट से दस ही हैं मगर यह कि सलमान फारसी अपनी जेब में रखकर मौला अली के सामने उस हुस्न को देखना चाहता था जो अल्लाह पर ईमान अल्लाह पर भरोसा और उस अल्लाहालमीन पर तवक्कुल करके लोगों की मदद करते हैं और खुदा कैसे उनके साथ मोहब्बत फरमा कर बहिष्ट से जो है वो ताम को और उस फल को रवाना फरमा देता है एक सलावत पढ़ लीजिए आइए अपने दिलों को नूरानी करें फक्त ये नहीं है मैं और आप एक दूसरे से सवाल करें मसलन कोई हमें पूछे कि क्यों हम रोज अयाम फातमिया के लिए बैठते हैं लोग कहते हैं तीन दिन काफी हैं इधर तीन दिन उधर ऐसे क्यों है हम नहीं छोड़ सकते मैं जो कहती हैं ऐसा करो मैं उनसे सवाल पूछती हूं मैं उनसे ये सवाल पूछती हूं कि इस कायनात के अंदर कोई कोई दूसरी मिसाल मुझे ला दे कोई दूसरी मिसाल तो हम अपनी बात से हट जाएंगे एक मिसाल ला दे मुझे मिसाल फातिमा एक मिसाल ऐसी मां जिनके बेटे बहिष्त के सरदार हैं, ऐसी रोजा जिनके शौहर कसीमारे वल जन्ना है सैयदुल औलिया सैयदल औसिया जान नशीन पैंबर ऐसी बेटी है कि सैदुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफा रफतों अजमतों के मालिक उनके वालिज हैं और खुद इसमत उस पाकिजा दर्जे पर हैं कि कुरान की आयात आपके लिए शाहिद हैं जद आला जद आला इब्राहिम है और फिर वो रेशाए जो शराफत शराफतो मोहब्बत और एक बंदगी है वो जनाब हाजिर से भी मिलता है जाकर तो जो इतने मकाम वाली हो इतने मकाम वाली हो इतने मकाम हो कि उनके बराबर कोई दूसरी खातून इस कायनात के अंदर नहीं है जब इतना रुतबा है कि जिब्राइल मेकाइल इसराफील इसराइल फरिश्तों को मुशाह करते हैं जब अजमतें सारी यहां पर सजदारेस हैं तो आपको क्या लगता है कि चाहिए था कि इतनी शानों अजमतों इज्जतों फजीलतों की मालिक हस्ती के दरवाजे को आग लगा दी जाए ये बनता है? क्या ये बनता है कि खाली आग लगा कर जाते तो हम कहते ठीक है बस इसलिए कि खुद ही घुट घुट कर घरों में मर जाएंगे मगर ये तो अल्लाह की बारगाह में एक ऐसी शेर दिल वली अचल है कि गम ने इन्हें ताकत दी है लेकिन दूसरी तरफ हम उस मजलूमियत को कभी नहीं भूलेंगे अजमत में कोई हमारी बीबी के मुकाबले में ना आए ये सारे जो किताबें लिखने वाले हैं दम तोड़ जाएंगे चोर तोड़ चुके हैं कोई ला सकता है ऐसे जरूरत नहीं है जिसके वजूद में फातर हस्ती होना हो उसके मुकाबले में कौन आएगा कोई नहीं आ सकता कोई खातून नहीं आ सकती कोई नहीं आ सकता इस दुनिया कोई भी आप किताबें लिखें कोई भी शान बढ़ाएं औरतों की किसी की भी कोई नहीं बढ़ सकता आगे वजूद ऐसा है। तो हाँ हम हाँ मजलूमियत पे रोते हैं कि इतने इतने लोग ज़मीन को मां कहते हैं किसकी वजह से मां कहते हैं क्योंकि उम्मुल अर्द खुद फातिमा बहरा हैं जिनकी वजह से ज़मीन ज़मीन वजूद में आई किसकी जरूरत उसी जमीन पर पता है इमाम हसन अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं अपने शियों से और बीबी जेनब से अपने दुख को कैसे बयान करते कितने इस कायनात में और वो जुमला इस्लाम भी बोलते हैं मैं यहां बोलूंगी और मैं आपसे इजाजत चाह लूंगा मौला हसन फरमाते हैं जब मैं दरबार से अपनी मां को वापस लेके जा रहा था तो किसी ने गली के मोड़ पर गुस्ताखी की वो गुस्ताखी ऐसी थी कि ऐसे लगता था अश जमीन पर गिर गया हो जैसे आसमान जमीन पर गिरा हो बस वो साढ़े छ सात बरस के हसन है मगर उस बचपने में आगे बढ़कर उस शख्स का दामन खींचते हैं और कहते हैं मैं चाहूं तो अभी तुझे इस हवा में रेजा रेजा कर दू खबरदार निकल जाए इस गली से निकल जा इस से, इस से जाए इस जगह से इससे पहले कि मेरा सब्र टूट जाए ये सात बरस की उम्र में साढ़े छह से सात बरस की उम्र है और आखिर मौला यही तो कहते हैं दान वचे कूरा इज्जत खुदाए किसकी जरूरत कि इज्जत इलाही जमाल इलाही नबी जिसका एहतराम करे नबी जिसके तबसुन से नबुवत पे जाए किसी की जरूरत ये मजलूमियत है कि खुद उस वक्त के इमाम मौला ये बच्चा जुमला कहते थे दर रसूल अल्लाह की बेटी तुझे कूचे में इन्होंने गली में मारा है काश तेरी बजाए मुझे मारा होता काश तेरी बजाए मुझे मारा होता वे मनो व ये मनो वो ये, ये मन

अल्लाह मात जीलने वाली ये गल अल्लम जीलने वाली यह गल में जा